कोरोना का कहर चल रहा है, राजस्थान के गांवों की स्थिति क्या है इसका जायजा लेने हम आए हैं। ये सामरेड कला गांव है, 3 पंचायतें इसके अंतर्गत आती है, करीब 7,000 की आबादी है। ये माता जी यहाँ पर बैठी हैं। माता जी ये बताइएगा आप कि क्या टीके लग गए हैं आप लोगों को? कोरोना का टीका लग गया है? लाग गवा का तो लग टीका तो अब और लगा तो और लगा दी बाबा वो तो जी टीका तो लाग तो ये भी तो लगा दिया महाना दो महाना पहले लगाया था। डर थोड़ा ना लाग रहे हो कि कोई टीका लगा हुआ तो कोई डर है? क्योंकि गांव में यह कह रहा है कि डर है कि कोनी कहीं भी टीका लग का डर तब डर तो कहाँ कौन लाग मान तो डर वर तो भाई कोई तो कहते टीका लगवा और कोई कहते मत लगवाओ और या कहते जी मेरे लगवा लिया पहले ही अब पाते दूसरा तो लगा भाई वो जो बेखैर आते दे भाई वो जो लगवाओ काल तो सुख शांति से माँ खत देखा पाते और खेर आया तो डाक दर माँ खत और कोई आया भी कौन। तो देखिए गांव की स्थिति ये है, लेकिन गाँव में स्थितियाँ इतनी सजग नहीं है, इतने लोग सजग नहीं है। गाँव की सरपंच भी हैं यहाँ पर। आपके गांव की स्थिति क्या है? क्योंकि क्या यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं आपके पास? क्या PHC है? सुख शांति जी तो नहीं, क्या डॉक्टर हैं आपके यहाँ इस गांव के अंदर? क्या नहीं तो डॉक्टर ना नर्स है। फिर लोगों का इलाज कैसे? रामगढ़ से जयपुर जाओ। तो अभी तो लॉकडाउन है, फिर जाओगे कैसे? अगर किसी को जाना हो आपके यहाँ के लोगों को रामगढ़ से काम चल रहा है। यहाँ के लोग भी तो परेशान होंगे, बीमार होते होंगे, आपके पास आते होंगे शिकायत लेके। इन सब की ध्यान रख रहे थे यहाँ तो मैंने रामगढ़ से दुआ लिया वो सर और मास वास वे सब नखे मिले थे वे मास वास लगाओ वो छिड़काव होता है वो कुछ होता है यहाँ पे करवाया? कुछ नहीं होता। हाँ टीका को लग रहा आपने लगवा लिया? हाँ पहली लोग आया था आपको लग रहा। अच्छा गांव के लोगों में क्या ये डर भी है? गांव के लोगों में ये डर भी है? आपको बोलते भी हैं कि वो टीका लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं? लगाओ था खेत है लगाना। हाँ लगाओ। तो देखिए ये गांव की सरपंच हैं और सीधे तौर पर एक ही बात कहती हुई नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर कोई सुविधाएं मौजूद नहीं है, इनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, ना डॉक्टर हैं, ना जो PHC होनी चाहिए वो PHC यहाँ पर है नहीं। बाबू जी हैं यहाँ पे। और जी आप तो लंबे समय से गांव की स्थितियाँ देख रहे होंगे, कब से आपके यहाँ डॉक्टर नहीं है, कब से आपके यहाँ पर ये जो PHC बनी हुई है वो ताले लगे हुए हैं, कब से है ये स्थितियाँ? कोई नहीं है कहीं कहीं स्थिति है था घट है कहीं डॉक्टर है कौन ही है हमारे यहाँ? अच्छा जाओ से सही ना डॉक्टर कोई को नहीं है। डॉक्टर नहीं है। देखिए ये गांव की स्थितियां हैं। ये जयपुर से महज 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है और यहाँ पर हालात ये हैं कि यहाँ पर ना डॉक्टर हैं, ना आज तक कोई जांच करने के लिए कोई टीमें आई है। जांच के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि जांच के लिए टीमें पहुँच रही है। क्या टीमें आई है आप लोगों के यहाँ? क्या कोविड की जाँच होती है? हाँ जी जाँच तो हुई थी, जाँच नहीं हुई थी, खाली टीका लगाने आए थे एक बार और बिल्कुल कोई भी जाँच करने नहीं आते यहाँ पर। यहाँ पर तो लोग ऐसे ही बस प्रकृति का हिसाब से जी रहे हैं, उसे काम चल रहा है। तो फिर अगर किसी को कोविड हो गया होगा गांव में तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा, आप उसको कैसे क्वारंटाइन करेंगे? उसको यही भाई और ज़्यादा बीमार खाट में पड़ जाएंगे तो फिर जब फिर SMS जाएंगे और यहाँ कोई सुविधा है नहीं बस। ये आपकी जो PHC है यहाँ की उसमें ताले लगे हुए हैं, कब से बंद है वो? बिल्कुल 2-3 साल से बंद है, उसमें कोई भी नर्स कोई भी डॉक्टर नहीं बैठता उसके अंदर और बिल्कुल बंद पड़ी है। मान लीजिए कोई कोविड का पेशेंट आ जाता है, क्वारंटाइन कहाँ करेंगे उसे? उसको कोई इलाज नहीं है साहब, बिल्कुल भी उसका क्वारंटाइन करने का कोई इलाज नहीं है। वो तो ज़्यादा ही ज़्यादा फिर खाट में मिल जाता है तो फिर अलग से घर कई यहाँ के आदमी करवाते हैं उसे, जिसे सरपंच साहब जाओ कोई भी जाओ वही करवाते हैं उसको। क्या कोई मौत भी हुई है यहाँ पर? नहीं साहब कोई मौत नहीं हुई उसे। तो ये मतलब भगवान का ही है? हाँ एक भगवान के भरोसे ही काम चल रहा है गाँव का, तो नहीं कोई व्यवस्था है नहीं। तो देखिए ये स्थितियां हैं राजस्थान के भी गांवों की। यहां पर राजस्थान में जिस तरीके से लगातार एक बात कही जा रही है PHC में डॉक्टर भेजे जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ भेजे जाएंगे, लेकिन जो PHC सालों से बंद है वहां पर स्टाफ कहां से आएगा? स्थितियां ये है कि ना कोई किसी तरीके का स्प्रे का छिड़काव होता है। हद की स्थिति तो ये है कि जिस तरीके से जाँच की बात कही जाती है कि जाँच होगी,
इस गांव में एक बार भी कोई जांच के लिए नहीं आया है। तो जब जांच के लिए कोई नहीं आया तो किसे पता कि किस में कोविड है किस में नहीं है। तो गांव पूरी तरीके से रिस्क में चल रहे हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जयपुर के जंबरामगढ़ से अजीत शेखावत।